अभी राइट नाउ आई विल बी डूइंग सम मेडिटेशन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स मेबी एंड आई गेस एवरीवन शुड डू दिस इन द मॉर्निंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो so right now I'm just learning, so कुछ time लगेगा at least, I guess 6 to 8 months तो लगेगा at least. तो तभी count today it's 3rd of October. फाइनली कम्स द रियल पार्ट ऑफ द वीडियो, जिस चीज़ के लिए वीडियो बनी है. सो मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ एंड देन वील स्टार्ट. ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 6th ब्लॉग. एंड इस ब्लॉग में बेसिकली यू विल बी गेटिंग नो टू हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 50 डेज फॉर कैट 2021, जो कि 28 नवंबर को है. एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो इस वीडियो के बाद गारंटी चलेगी. नहीं, ऐसा कुछ मैं प्रॉमिस नहीं करने वाला, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, हार्डली 3 से 4 मिनट की जाएगी ये वीडियो. सो व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू से इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. नीड यू जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट डे, द डे यू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ कैट एंड यू वेर लाइक सो एंथुसियास्टिक, सो मोटिवेटेड दैट क्या करना है करना है. बट अब जब आखिरी मोमेंट आ गया देन यू गाइज आर गिविंग अप. आई वुड से कि रुक जाओ, यू स्टिल हैव 50 डेज. इवन इफ यू स्टडी फॉर 10 आवर्स पर डे, यू विल बी रीडिंग अराउंड 500+ hours. So game will change, the entire, as I said in all the vlogs, that the entire game will change within a day. देखो, practice में I agree that mocks में अच्छे scores नहीं हो रहे, I agree.
बट मॉक्स आपका फाइनल इंडिकेटर डिसाइड नहीं कर सकता. इट्स नॉट लाइक कि एक बच्चा या फिर एक प्लेयर, एक क्रिकेट प्लेयर, इफ इज नॉट एबल टू हिट सिक्स इन द ट्रेनिंग मैच, इफ इज नॉट एबल टू हिट सिक्स इन द प्रैक्टिस मैच, ही इज नॉट एलिजिबल टू हिट सिक्स इन द फाइनल डीडी. वो फाइनल में भी मार सकता है, वो प्रैक्टिस में मारने के नहीं मारने के बावजूद भी वो मार सकता है. तो जस्ट प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल बी स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, कि 10 घंटे मैं जरूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी इरेस्पेक्ट ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन इज. पहला. दूसरा कि 28 नवंबर को क्या है, तो आज 3rd of October है. नाउ मेक श्योर दैट यू गिव मॉक ऑन एवरी संडे. 90% 95% या 80% इट्स वेरी वेरी इजी टू गेट. मैं बताता हूँ कैसे. 2020 में इफ यू स्कोर 50 मार्क्स देन यू आर गेटिंग 80%. इफ यू स्कोर 60 मार्क्स 60-62 then you get 90%. Now see the difference. Just because you solve 3 or 4% extra, you'll be getting 90%. If you score 75 or 70, then you will be getting 95%. So at least people, ये वीडियो सबसे पहले तो उनके लिए है जिनका बिल्कुल भी मार्क्स में अच्छे नहीं आ रहा है, जो स्कोर अभी जीरो कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में कर रहे हैं, डबल डिजिट में कर रहे हैं, बट नॉट वेरी हाई स्कोर. सो ये वीडियो उनके लिए सबसे पहला. दूसरा बार बार मैं बोल रहा हूँ. ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि ये जो 90% है इसको कैसे अचीव करना है. सी लेट्स टेक एवरीवन इज जनरल कैटेगरी, ठीक है. इवन इफ यू आर नॉट, जस्ट वर्क इट लाइक यू आर अ जनरल कैटेगरी, ठीक है. डजंट मैटर आपके पास कैटेगरी है नहीं है. वी आर सेइंग यू हैव टू सॉल्व 8 क्वेश्चंस एंड 8 क्वेश्चंस इनटू 3 इज 24 मार्क्स. सो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग 24 मार्क्स इन वीआरसी. That's the minimum I'm saying. ठीक है, उससे कम आएगा तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट LRDA में अगेन यू हैव टू सॉल्व 6 क्वेश्चन. दैट्स द मिनिमम अगेन आई एम सेइंग एंड यू विल बी एबल टू क्रॉस 80%. ठीक है, एंड अगेन आई एम सेइंग 6 क्वेश्चन फॉर क्वांट. सो 6 3 18, सो 24 प्लस 18 प्लस 18 कितना होता है 60. नाउ 60 मार्क्स लास्ट ईयर वॉज अराउंड 90%. ठीक है, अराउंड. And since the questions will be reduced this year, so the chances of getting high percentile at this marks is very high. मतलब 60 number लाओ, you might be getting 90-93% this year. So now you should work. If you are getting 30 marks ना, तो सबसे पहले तो तुम सोचो कि तुम्हारा तीनों sections में equal कितना आ रहा है. Like if you are getting 30 marks as total, let's take an example. तो divide it like, हाँ मेरे को 15 number BRC में आ रहा है, 5 नंबर मेरे को क्वांट में आ रहा है और 10 नंबर मेरे को LRDA में आ रहा है. नाउ इट्स क्लियरली शोज दैट यू आर वीक इन एवरी सेक्शन एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ. तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी करो कि तुम्हें क्या मिस्टेक हो रहा है. वो 15 नंबर जब आया तो तुमने कितना राइट किया, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन तुमने राइट किया. ठीक है, नाउ सी कि तुम्हें 5 क्वेश्चन तुम्हारा VRC में राइट हो गया, लेकिन तुम्हें चाहिए कितना था 8. सो उस 3 के लिए मेहनत करो. ये मत सोचो कि मुझे 16 अटेम्प्ट करना है, मुझे 17 अटेम्प्ट करना है. दैट शुड नॉट बी योर स्ट्रैटेजी. ठीक है, 16 अटेम्प्ट नहीं करना है, 17 कुछ अटेम्प्ट नहीं. जस्ट मेक श्योर दैट 8 क्वेश्चन राइट होना चाहिए. अब आप पूछोगे कि 8 क्वेश्चन मुझे कैसे पता कि 8 क्वेश्चन कैसे राइट हो जाएगी, क्योंकि जो मैं अटेम्प्ट करूंगा वो जरूरी नहीं है कि वो राइट हो, विच इज गुड. सो एटलीस्ट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन. अब इसका भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ. वीआरसी में वॉट यू हैव टू डू इज फर्स्ट RC करो. ठीक है, सबसे ईजिएस्ट RC जब भी दिखे मॉक, सबसे पहले फोकस रहो कि RC करना है, ईजिएस्ट RC करना है, जल्द से जल्द उसको निकालो. उसमें तुम अच्छी खासा टाइम लो, टेक 15 मिनट्स, टेक 18 मिनट्स, ज़्यादा भी मत लेना, बट इतना तो ज़रूर लो और टेक योर टाइम. ठीक है, बिकॉज यू योर एम शुड बी टू पहले कट ऑफ तो क्लियर करो. योर एम शुड बी टू क्लियर द कट ऑफ, कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद, फिर वो स्पीड बन जाएगा. ठीक है, सो टेक 15 मिनट्स एंड सॉल्व दैट RC का पहला सबसे ईजिएस्ट वाला. एंड यू लाइक आउट ऑफ दो 6 क्वेश्चन आई गेस 4 to 5 क्वेश्चन राइट होना चाहिए. ठीक है, लेट्स टेक तुम्हारा 5 राइट हो गया, मे बी आउट ऑफ 6 क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड 5, 4 राइट हो गया. ठीक है, देन गो फॉर VA. VA सारा करो. आई वुड से इफ यू आर वीक एट VA प्लीज डू इट. इफ यू आर वीक एट VRC देन VA को ज़्यादा अच्छे से करो. क्यों पता है, VA में वो ईजी है यार. मतलब तुम यू जस्ट रीड समथिंग 1 line 2 line 3 line एंड यू जस्ट एबल टू प्रेडिक्ट द आंसर. वहाँ पे RC में यू हैव टू रीड एवरी पैराग्राफ वेरी केयरफुली. सो आई वुड रिकमेंड कि VA में थोड़ा ज़्यादा फोकस रहो इफ़ यू आर वीक एट VRC, बिकॉज उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ के तुम अच्छा नंबर स्कोर कर पा रहे हो. Yeah, I was saying, just make sure that you attempt every question in that first RC, most probably. If you are not
लाइक इफ यू डैम श्योर दैट ये क्वेश्चन में मैं गलत हो जाऊंगा या गलत हो जाऊंगी देन लीव इट, बट मेरे हिसाब से करना चाहिए ठीक है, बिकॉज द चांसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इज वेरी वेरी हाई इन दैट पर्टिकुलर आवर्स. नेक्स्ट इज VA में अगेन इफ यू आर लाइक एबल टू सॉल्व, नॉट सेइंग एवरीथिंग बट एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन VA, लेट्स टेक इट्स 8, तो आउट ऑफ 8 एटलीस्ट यू शुड सॉल्व 5, 6, 7 कर लो ठीक है अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट एंड टाइम. देन लास्ट का 5 मिनट जब बचेगा, लाइक वॉट आई सेड कि 15 से 20 मिनट तुमने RC में दिया पहले RC में, फिर 15 मिनट तुमने VA में दिया, आराम से करो. तो तुमने लाइक लेट्स टेक इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट यू एबल टू गेट 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, लाइक यू एबल टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस एंड तुम्हारा 15-15, 30 मिनट जा चुके हैं, चलो 35 मिनट जा चुके हैं. नाउ जस्ट कितना बचा, 5 मिनट बचा. अब उस 5 मिनट में यू हैव टू सॉल्व द डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट कम्स इन आरसी. का डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि रिफर टू द पैसेज, एक क्वेश्चन आएगा रिफर टू द पैसेज नंबर दिस ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. उस क्वेश्चन का करोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर वेरी हाई, एंड यू जस्ट नीड टू रीड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड उसको 2-3 बार पढ़ लो फटाफट ठीक है. तो लेट्स टेक इन 5 मिनट में तुमने 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर दिए तो 12. नाउ मेक श्योर 12 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आ रहे हो ठीक है. अब 12 बहुत ज़्यादा है, सो राइट नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेरी गुड एट VRC जस्ट एटलीस्ट स्टार्ट विद 8 or 9 questions, मतलब अटेम्प्ट करो 8 or 9 questions ही अटेम्प्ट करो. जैसे ट्रिक बताया था वही करो, बस थोड़ा कम कम करो, मतलब पहले RC में 6 की बजाय तुम 4 कर लो, दूसरे VA में तुम 8 की वजह से तुम 4 कर लो, 4-4, 8 हो गया, एंड एक क्वेश्चन तुम डायरेक्ट क्वेश्चन करो. डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर करो, एटलीस्ट एक करो, अभी से प्रैक्टिस करो तभी वो तुम्हें याद हो जाएगा. अच्छा मैं इतना दिन से अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल दिस टाइप ऑफ लाइक फॉलो द स्ट्रैटेजी ठीक है. नेक्स्ट आई वुड से फॉर LRDI, सो LRDI बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सेक्शन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन, ट्रस्ट मी. इवन इन प्लेसमेंट सिनेरियो लाइक आई हैड माय SIP व्हिच इज समर इंटर्नशिप प्रोसेस, इवन इन दैट फॉर एवरी कंपनी यू हैव टू गिव अ टेस्ट, एंड उसमें सिर्फ LRDI पूछा जा रहा है, मतलब बहुत ही ईजी लेवल है, बट स्टिल इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ योर नॉलेज, सो यू शुड नो LRDI अच्छे से. बहुत अच्छी से नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा प्रो बन जाओ 100% 99% लाना, नहीं, लेट्स टेक कट ऑफ क्लियर करना, एटलीस्ट दैट्स द मिनिमम यू कैन डू. आई एम सेइंग ऑल दिस स्टफ बिकॉज मे बी सम पीपल इज वीक इन VRC, सम पीपल इज वीक इन LRDI, सम पीपल इज वीक इन क्वांट. तो हम लोग वीकेस्ट में कैसे निकल सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें प्रो बनना है उसमें, आई एम जस्ट सेइंग हाउ यू शुड मैनेज थिंग्स, हाउ द वर्क शुड बी डन, दैट्स इट. सो तुम्हें अगर पता कि तुम वीक हो इस सेक्शन में, देन उस सेक्शन में तुम्हें कैसे निकलना है ना, वो अगर तुम सोच लिए तो यू आर डन विद द कैट. कैट तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, सेक्शनल पे ध्यान देना ठीक है. तो LRDI में क्या करना है, हमें आई गेस 6 क्वेश्चन का एक सेट आता है, 6 क्वेश्चन का 2 सेट आता है, 4 क्वेश्चन का 3-4 सेट आता है, सो अराउंड 5 to 6 सेट्स आएंगे, डजेंट मैटर, यू जस्ट नीड टू सॉल्व 2 सेट्स, दैट्स इट, वेरी क्लियर ठीक है. और 3 में तब जाना वेन यू आर एबल टू क्लियर दोज 2, एंड देन यू आर कि हाँ यार ये भी इजी है. जैसे मैंने भी 3 टच किया था आई गेस, जितना मेरे को याद है, तो मतलब 3 टच किया था, एम नॉट सेइंग कि तीनों मैंने सॉल्व कर दिया, तीनों मेरे राइट हो गया, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट 3 मैंने टच किया था, मीन्स दैट कि मैंने 3 को बिल्कुल नहीं पढ़ा और 3 को मैंने पढ़ा, बस मेरे ये कहने का मतलब है. सो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हम जिस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो वेन डायग्राम में, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो ग्राफ में, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो और क्या आता है गेम्स टूर्नामेंट में, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो क्वांट बेस्ड पजल में, सो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एट समथिंग जस्ट मेक श्योर कि पहला क्वेश्चन तुम्हारा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए. वो एक सर्कल वाला कुछ आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट ठीक है, वो भी बहुत ये बहुत ईजी होता है. सो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर लाइक इफ यू आर गुड एट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन मेक श्योर कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन वो होना चाहिए, दैट विल गिव यू ग्रेट कॉन्फिडेंस कि यार 15 से 20 मिनट में उस सेट को सॉल्व करो, एंड यू विल बी लाइक अरे यार मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, लाइक आई एम गेटिंग 12-15 नंबर आराम से. अब बाकी जो 20 मिनट है उसमें फिर अगेन ट्राई टू थिंक कि कौन सा सेकेंड वाला ईजी है, एंड उसमें से फिर स्ट्रेटेजाइज करो कि कौन सा क्वेश्चंस करना, सारे क्वेश्चंस मत करो उसमें. देखो हर सेट में 2 क्वेश्चन इजी बहुत होता है, जस्ट दैट यू नीड सम टाइम टू रीड दैट, एंड उस रीड करते करते टाइम, इट्स अ पैनिक सिचुएशन बिकॉज यू आर रीडिंग ए ग्रेट लाइक बड़ा बड़ा पैसेज, एंड देन यू ट्राइंग टू प्रेडिक्ट आउट समथिंग, एंड देन जब तक पता चलता है तब तक टाइम पार हो जाता है. तो मेक श्योर कि आप किसी तरह भी उस चीज़ को
पहले से समझ लो, पहले एक मिनट लाइक आफ्टर वी आर सी जस्ट टेक वन और टू मिनट्स, जस्ट मेक श्योर कि फटाफट कैटेगराइज कर लो कि मेरे ये मतलब पहले ये करोगे, सेकंड ये करोगे, थर्ड ये करोगे, ये पता होना चाहिए बस। अराउंड 32 मिनट्स या 30 मिनट्स आई थिंक इट्स एनफ, दो सेट कर दो अच्छे से। अगर तुमने 30 मिनट्स में दो सेट अच्छे से कर लिया, देन आई गेस तुम्हारा पहला सेट बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत मतलब पूरा सेट ही सॉल्व कर दोगे। तो और पहला सेट जिसने सॉल्व कर दिया वो आधा रेस वो 80% मैच जीत चुका है, ठीक है, 80% मैच जीत चुका है, ठीक है, ओके। सो दैट्स इट, सो यू जस्ट नीड टू प्रेडिक्ट कि पहला सेट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट कम्स क्वांट, सो क्वांट के लिए क्या करना है, सो क्वांट्स में दो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इवन यू नो गाइज, लाइक इवन यू गाइज नो दैट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा इज एवरीथिंग, मतलब 70-75% इज जस्ट अबाउट क्वांट, इज जस्ट अबाउट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। सो लेट्स टेक अ प्रेडिक्शन दैट इफ दिस ईयर द क्वेश्चंस कम अराउंड 20 क्वेश्चंस इन क्वांट, ठीक है, प्रेडिक्शन है। सो 20 में से 13 क्वेश्चन आई वुड से 13-14 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। सो यार अगर तुम्हें पता है कि 80% इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू, 70-80% इज अराउंड दीज टू टॉपिक्स, सो उस दो टॉपिक्स को तुम बार बार रिवाइज कर लो ना, यू रीड वंस यू ट्वाइस। मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर लिटरली टाइम नहीं है ना अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, दैट्स मोर देन एनफ, बिकॉज इवन इफ यू आर एलिजिबल टू, लाइक यू आर स्टिल एलिजिबल टू सॉल्व 13-14 क्वेश्चन। अब उसमें भी अगर तुम 13-14 नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, उसका तुम आधा राइट कर दो, उसका आधा कितना होता है 14 का 7, अगर तुमने 7 भी राइट कर दिया ना, यू आर गेटिंग 21 मार्क्स। 7 क्वेश्चंस राइट करने पे लास्ट ईयर 91% बना था, जस्ट इमेजिन। सो इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी मैन, इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अ गेम ऑफ बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट, नहीं यार ऐसा नहीं, इट्स यू शुड थिंक लाइक ए मैनेजर, मैनेजर शुड नो हाउ थिंग्स गेट डन, दैट्स इट, ठीक है। सो 7 फिर से बता रहा हूँ, 8 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस, इतना राइट कर लोगे 60 नंबर आ जाएगा एंड यू विल गेट 90%। 95 के लिए अगेन तुम जब तीनों में आ गए, जब तीनों तुम्हारा सेट हो गया लाइक 8-6-6 हो गया, देन यू शुड वर्क फॉर 95। कैसे 95 पे वर्क करोगे, तुमने क्लियर कर दिया तीनों का कट ऑफ, अब तुम जिस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो, जिस चीज़ में तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लाइक इफ यू आर फीलिंग गुड एट LRDA जस्ट गो फॉर इट, इफ यू आर फीलिंग गुड एट BRC गो फॉर इट, इफ यू आर फीलिंग गुड एट क्वांट गो फॉर इट, दैट्स इट, तुम उस चीज़ को एक दो लेवल ऊपर ले जाओ। तुम्हें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है, जस्ट 3 क्वेश्चन तुम कहीं पे भी कर लो, तीनों का कट ऑफ क्लियर हो गया, फिर वो 3 क्वेश्चन तुम कहीं भी डाल दो, वो तुम BRC में राइट करो, वो तुम LRDA में राइट करो, वो तुम क्वांट में राइट करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग, आई होप ये हेल्प लगाओ, एंड वन थिंग इज फॉर लाइक आई वुड से जस्ट वन थिंग, डोंट वेट अंटिल यू आर प्राउड, लास्ट के 50 दिन बचे हैं, जान लगा दो, ट्रस्ट मी गाइज इट्स वर्थ इट टू बी इन IIM, एंड दैट टू व्हेन यू आर इन द टॉप 6, अलग ही फीलिंग होती है, यू गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारा ही अच्छा हो रहा है यार, किसी और का अच्छा नहीं हो रहा है, तो तुम अपनी लाइफ में सब बुरा कैसे कर सकते हो। तुमने जब स्टार्ट किया था, क्या तुमने ये सोच के किया था कि मैं लास्ट के मोमेंट पे गिव अप कर दूंगा, मैं वही बोल रहा ना, अगर तुम्हें 0 भी आ रहे हैं ना, डजंट मैटर, यू स्टिल हैव 50 डेज, 10 घंटे पढ़ो, जाओ रूटीन बनाओ, द एंटायर गेम विल चेंज विद इन अ डे। कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसी में लाने लग जाएगी। जस्ट मेक श्योर यू कीप हसलिंग, प्रे टू गॉड, ask universe, keep writing on notebook that you want IIM, getting into IIM, start visualizing, everything begins with a visualization. तुम कोई भी invention ले लो life की, मतलब जितनी भी बड़े बड़े inventions हो, चाहे वो bulb हो, चाहे वो car हो, चाहे वो aeroplane हो, चाहे वो कुछ भी हो, everything start with an intuition and belief. They had nothing knowledge, उन्होंने कुछ book नहीं पढ़ा, कुछ ऐसा नहीं, it's just that they had a belief and they just start implementing what they think. So before achieving anything, you have to think about it, yaar. It's a basic rule of universe that I say. I know it's a tough moment for you guys, but trust me, it will be worth it after 50 days, after the day the result will announce and the percentile you will get, and then you will start preparing for GDPI. So everything will be worth it. And the day you finally get into IIM or some top B school, you will feel very proud of yourself that yes, you have made it. And not just you yourself,
your parents would be very proud. I would say also I would recommend you to solve SimCat and EMCAT of last 2 years. ये दो जरूर solve करो. इससे क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ. मैं VRC का तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, but at least Quant and LLDA में तुम्हें बहुत different type of questions मिलते हैं. So you get to know कि अच्छा इस question को इस type से करते हैं. So अगर तुम जितना familiar होगे, जितने different type से familiar होगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा है तुम्हारे लिए. So उसके लिए just make sure that you solve last 2 years of SimCat and EMCAT. इस साल के मॉक्स तो एवरी संडे मॉक्स देना है, एवरी संडे मॉक्स देना है. दो घंटे का मॉक्स है. हमारे सीनियर्स का 3 घंटे का होता था, तो उनका तो और ही टफ होता था. तो हम लोग तो यू शुड बी ग्रेटफुल दैट हम लोग 2 घंटे वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2 घंटे वाले मॉक्स में बैठ रहे हैं, विच इज़ वेरी ईजी. आई मीन यार, टू कंसनट्रेट फॉर 3 आवर्स इज़ वेरी टफ. दे शुड बी मिशन कि टुडे इफ आई वोक अप, आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग. वो रात को ही सेट करके रखो कि मेरे को आज SimCat देना है या टाइम देना है, या जो भी है, जो भी मॉक्स दे रहे हो. एंड फिर वो उसका एनालिसिस करना है, या फिर आज परसेंटेज चैप्टर खत्म करना है, आज एवरेज खत्म करना है, आज LRDI का वेन डायग्राम खत्म करना है, गेम्स टूर्नामेंट खत्म करना है. दे शुड बी टारगेट कि ये करना, वो करना, ये करना. एंड एन्जॉय करो, मतलब इट शुड बी लाइक कि एन्जॉय द मोमेंट यार. इट्स अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग. गिव योर बेस्ट. लास्ट 50 डेज है. डोंट गिव अप गाइज. एवरीथिंग विल बी वर्थ इट व्हेन यू स्टेप इनटू द IM का गेट. Just imagine you click a pic and upload it in WhatsApp status, Instagram status, Facebook that you are studying in IMK. Sorry, IIM, any top B school. So, बहुत अच्छी feeling होती है. Before ending, I want to sing a song for you. मेरी आवाज़ काफ़ी गंदी है, but don't judge. It's a song that I always used to sing and listen when I used to feel very low. So I hope it helps you guys as well. कुछ पाने की हो आश आस कर, अरमां हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं मिले दिल की उम्मीद हंसे उनकी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. Sing it with me. आशाएं मिले दिल की उम्मीद हंसे उनकी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी.